हेलो गाइज, गुड इवनिंग, वेलकम बैक और स्वागत है सभी का एक फ्रेश न्यू ब्लॉग में। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मजे में होंगे। तो गाइज, अभी रात के बज रहे हैं 8, 8:30 कुछ बज रहे हैं। आधे घंटे पहले मैं आया और आधे समय पेस्ट्री लेके आया, क्योंकि आज है 8th of October, हमारी शादी को 10 months हो गए, तो दो पेस्ट्री लेके आया हूँ। हल्का सा मतलब स्लाइस वगैरह खिलाएंगे एक दूसरे को, मैं और नीतू, और छोटा सा सेलिब्रेट करेंगे। और बाकी तो ज़्यादा भी सोनू शीएम होते तो कुछ प्लान करते, मतलब हल्का सा वही थोड़ा बड़ा केक लाते, पर अभी खाने वाला कोई है नहीं तो पेस्ट्री लेके आया। और गाइस, पिछले वीडियोस में हमने सपोर्ट दिखा उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, और चैनल पे जो नया सब्सक्राइब किया उनको भी बहुत बहुत थैंक यू। इसी तरह सपोर्ट करते रहिए और चैनल को ग्रो करने में मतलब हेल्प कीजिए। और न्यू एक्साइटिंग व्लॉग्स आएंगे, रोड ट्रिप्स आएंगे और बहुत सारे, तो बने रहिए वीडियो में और मिलते हैं आपको बाद में। तो गाइस, यहाँ पे बन रहे हैं फ्राइड राइस, और ये है राइस के मतलब राइस का मसाला है, मसाला जो भी रेडी हुआ है, और उसके बाद इसके अंदर डालेंगे ये राइस, तो बन जाएंगे फ्राइड राइस। A few moments later. तो गाइस, फाइनली राइस रेडी हो गए हैं, जो मसाला था उसके अंदर राइस डालने के बाद अच्छे से मतलब अभी रेडी हुआ है, अभी इसको मैं खाऊंगा। तो गाइस, 10 months की खुशी में हल्का सा एक दो पेस्ट्री लाए मेरे लिए और नीतू के लिए, तो अभी खाते हैं। और फिर रसगुल्ला भी लाए, केक खाता हूँ और फिर आगे एक रसगुल्ला तो खाया है और खा लेता हूँ। बहुत ही यम्मी है और अभी फिनिश करते हैं। शिवम बोला, शिव मैक शिवम बुला रहा है। The next day. Hello guys, good morning. और सुबह के बज रहे हैं 9:30। सर्दी हो रखी है मुझे, इसलिए थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो गाइस, अभी मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे पास में एक पेट्रोल पंप है, वहाँ पे पोल्यूशन करवाना है, क्योंकि आगे का जो राइड का प्लान है उसमें डाउट था मुझे कि न्यू बाइक में पोल्यूशन चाहिए या नहीं चाहिए। तो वही डाउट क्लियर करने के लिए मैंने फ़ोन किया था KTM के शोरूम पे, तो उन्होंने बोला कि आप पास के पेट्रोल पंप पे जाके करवा दीजिए। फिर भी मुझे डाउट था, तो मैंने कल रात को पूछा था यहाँ पे पेट्रोल पंप पे, उन्होंने बोला अगर आपकी नंबर प्लेट लग गई है तो आप करवा दीजिए। तो वही मैंने पूछा था कितने बजे तक खुलता है, उन्होंने बोला कि सुबह 9 बजे। तो जस्ट जिम से आया हूँ, 10 मिनट हुए और करवा देता हूँ अभी। पास में ये पेट्रोल पंप एकदम एक गली छोड़ के। पहले मुझे ऐसा लगता था कि नई बाइक और 6 महीने या 1 साल तक लगता नहीं है पोल्यूशन। राजस्थान में जो अपनी 4-व्हीलर होंडा सिटी, उसको अभी 1 साल हुए नहीं और उसमें पोल्यूशन है नहीं। पोल्यूशन करवाने गए थे, उन्होंने बोला कि अभी लगेगा नहीं। तो गैस हो गया अपना पोल्यूशन का, और देखा आपने 10 मिनट ही लगा बस, और 94 रुपीज़ लिए खाली। और मैंने उनसे ये भी पूछा कि मेरा जो डाउट था जो कि न्यू बाइक पे नहीं होता, BS6 बाइक पे नहीं होता पोल्यूशन, तो उन्होंने बोला नहीं, बंगाल में सब कुछ चाहिए। तो चलो अच्छा है, करवा लिया, मुझे ध्यान में नहीं था, और कभी अगर पूछते तो फिर
कट जाता अपना। अभी फटाफट घर जाता हूँ और वीडियो अपलोड करना है। एक साल का बन गया है, आज से लेके एक साल। आ गए, टोटल 20 मिनट का काम था। पांच मिनट जाने में और वहां पे 10 मिनट का काम।